नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि दोस्तों फरवरी 2024 महीने की नई वैकेंसियों की नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी 2024 महीने की नई वैकेंसियों के बारे में। दोस्तों 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या ग्रेजुएशन पास की है और आप फिर भी बेरोजगार है और आप चाहते हैं कि 2024 में सरकारी नौकरियां पाने के लिए, तो हम दोस्तों इसके बारे में हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। जी दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि दोस्तों फरवरी 2024 के महीने की नई वैकेंसियों की नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो दोस्तों इसके बारे में हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको कहां से अप्लाई करना है। और दोस्तों इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, जिससे कि इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों बात करते हैं फरवरी भर्ती 2024 की सरकारी नौकरियों के लिए। दोस्तों ये 7 फॉर्म जरूर देखें, नहीं तो दोस्तों अंत में आपको पछताना होगा। दोस्तों आपने 8th पास किया, 10th पास किए, 12th पास किए, ग्रेजुएशन पास किए, कम से कम आपने एक भी क्वालिफिकेशन पास किए इनमें से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इनमें से कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट आपके परसेंटेज के हिसाब से मेरिट बढ़ने वाली है और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होने वाला है। और दोस्तों इनमें से कुछ भर्तियां ऐसी है जो कि फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो दोस्तों चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2024 से। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। दोस्तों बात करें किस पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों पोस्ट नेम है क्लर्क MTS, जूनियर इंजीनियर, नर्स, सुपरवाइजर, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, केस वर्कर, हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड एंड ड्राइवर की वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों आपकी वैकेंसी मल्टीपल रहने वाली है, फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और दोस्तों ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो 18 ईयर मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज है 45 ईयर और दोस्तों इसमें नियमों के अनुसार छूट भी मिलने वाली है, यानी कि OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST को 5 साल की छूट मिलने वाली है। दोस्तों बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू रहने वाला है, यानी कि दोस्तों ये सीधी भर्ती है, इसमें किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होगी, ओनली फॉर आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों बात करें पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में सैलरी की, तो दोस्तों 5200 से 20200 रुपए तक आपकी सैलरी रहने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट को निःशुल्क रखा गया है। दोस्तों बात करें क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों 8th, 10th, 12th या ग्रेजुएशन, यानी कि आपने इनमें से कम आपने एक भी क्वालिफिकेशन की है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 5 फरवरी 2024, यानी कि दोस्तों जिस भी कैंडिडेट का सपना है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में नौकरी पाने का, तो उसके लिए सुनहरा मौका है। दोस्तों जिस कैंडिडेट ने भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वह आज ही अप्लाई करें और दोस्तों आप यहां से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगली वैकेंसी है पोस्ट ऑफिस ड्राइवर रिक्वायरमेंट 2024। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडिया पोस्ट मेल मोटर सर्विस। दोस्तों पोस्ट नेम है स्टाफ कार ड्राइवर। दोस्तों फॉर्म आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है और दोस्तों बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो दोस्तों इसमें किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट आपका ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है और ड्राइविंग टेस्ट के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों बात करें सैलरी की, तो दोस्तों सैलरी है जो काफी अच्छी रहने वाली है, 19900 से 63200 तक। दोस्तों बात करें एज लिमिट की, मिनिमम एज है 18 ईयर, मैक्सिमम एज है 27 ईयर और दोस्तों नियमों के अनुसार छूट भी मिलने वाली है, यानी कि OBC को दोस्तों 3 साल की छूट, SC ST को दोस्तों 5 साल की छूट मिलने वाली है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो दोस्तों ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट को निःशुल्क रखा गया है। दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th क्लास एंड ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस लाइट होगा तो भी चलेगा और हेवी होगा तो भी चलेगा। दोस्तों आपकी वैकेंसी है यह मल्टीपल रहने वाली है और दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है आपकी 16 फरवरी 2024 रहने वाली है। और दोस्तों आप इस लिंक को क्लिक करके भी आप यहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगली वैकेंसी की, तो दोस्तों IOCL अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2024। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों टोटल वैकेंसी रहने वाली है ये 473 पोस्ट रहने वाली है। दोस्तों फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें एज लिमिट की, तो दोस्तों मिनिमम एज 18 ईयर रहने वाली है, मैक्सिमम एज 24 ईयर रहने वाली है और दोस्तों रिलेशन के हिसाब से इसमें छूट भी मिलने वाली है, यानी कि OBC को 3 साल की और SC ST को 5 साल की छूट मिलने वाली है। दोस्तों बात करें क्वालिफिकेशन की, 10th
ट्वेल्थ, आईटीआई, डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कम से कम आपने एक भी क्वालिफिकेशन किया है इनमें से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें वैकेंसी डिटेल्स की तो दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्निक अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस इसके लिए ये वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों जिस भी कैंडिडेट का सपना है IOCL डिपार्टमेंट में नौकरी पाने का तो दोस्तों उसके लिए सुनहरा मौका है। दोस्तों ये नौकरियां सरकारी नौकरियां रहने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए थे 12 जनवरी 2024 से और दोस्तों इसकी लास्ट डेट आई है 1 फरवरी 2024 है। और दोस्तों आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यानी कि नोटिफिकेशन आया है 12/1/2024 का, फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गई 12/1/2024, लास्ट डेट है 1 फरवरी 2024 और दोस्तों नोटिफिकेशन को यहाँ से रीड करके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगली वैकेंसी की, एयरपोर्ट रिक्वायरमेंट 2024 से। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का नाम है NIA एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों बात करें किस पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है तो दोस्तों पोस्ट नेम है कस्टमर सर्विस एसोसिएशन है। दोस्तों टोटल वैकेंसी है ये 1284 रहने वाली है। फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहने वाली है, यानी कि इंडिया में आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। दोस्तों ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तो दोस्तों इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम होने वाला है, रिटन एग्जाम के बाद में आपका इंटरव्यू होने वाला है और इंटरव्यू होने के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों बात करें सैलरी की तो सैलरी रहने वाली 13,000 से 25,000 रुपए तक सैलरी रहने, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। दोस्तों बात करें एज लिमिट की, मिनिमम एज 18 ईयर, मैक्सिमम एज 27 ईयर और दोस्तों नियमों के अनुसार इसमें छूट मिलने वाली है। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी और SC/ST को 5 साल की छूट मिलने वाली है। दोस्तों बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो दोस्तों जिस भी कैंडिडेट ने 12th पास किया है फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दोस्तों जिस भी कैंडिडेट का सपना है एयरपोर्ट में जॉब पाने का तो उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जिसने भी अप्लाई नहीं किया वो आज ही इस फॉर्म को अप्लाई करे। तो बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होना शुरू हो गई थी 12 दिसंबर 2023 से और इसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2023 से लास्ट डेट रखी गई है। दोस्तों आप इस लिंक के द्वारा फॉर्म भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों क्लिक करने के बाद में ऐसा नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन नाउ। रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद में ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसके बाद में मोबाइल नंबर और उसके बाद में पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नाउ करके यहाँ से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें अगली वैकेंसी की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिक्वायरमेंट 2024 से। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यादगिरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। दोस्तों बात करते हैं किस पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है तो दोस्तों पोस्ट नेम है LDC क्लर्क, स्टेनोग्राफर, प्रोसेस सर्वर, पीओन, सुपरवाइजर और ऑपरेटर, इन पोस्टों पर वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों टोटल वैकेंसी आपकी मल्टीपल रखी गई है, फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है। और दोस्तों बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस ओनली फॉर इंटरव्यू होने वाला है, कि किसी प्रकार की आपकी कोई एग्जाम नहीं होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये सीधी भर्ती है, इसमें ओनली फॉर आपके इंटरव्यू के बेस पर आपके सिलेक्शन होने वाले हैं। दोस्तों बात करें आपकी सैलरी की तो दोस्तों सैलरी रहने वाली है 17,300 से 53,800 प्लस ग्रेड पे। और दोस्तों एज लिमिट की बात करें दोस्तों मिनिमम एज 18 ईयर, मैक्सिमम एज 45 ईयर, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलने वाली है आयु सीमा में और SC/ST को 5 साल की छूट मिलने वाली है। दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फीस की दोस्तों ओल्ड कैटेगरी के कैंडिडेट को निःशुल्क रखा गया है। दोस्तों बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, 10th 12th ग्रेजुएशन, यानी कि कम से कम एक भी क्वालिफिकेशन आपके पास में है तो दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जिस भी कैंडिडेट का सपना है कोर्ट में जॉब पाने का तो दोस्तों उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। दोस्तों फॉर्म अप्लाई होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और दोस्तों जिस भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया वह आज ही अप्लाई करे। इसकी लास्ट डेट है 5 फरवरी 2024 रहने वाली है। और दोस्तों आप इस लिंक के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों इस लिंक के द्वारा आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों बात करें अगली वैकेंसी की, रेलवे ALP रिक्वायरमेंट 2024 से। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, यानी कि RRB। दोस्तों बात करें किस पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है तो दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई हुई है। टोटल वैकेंसी दोस्तों 5,696 तो दोस्तों इसे कल बढ़ाकर 12,500 कर दिया गया है, यानी कि 12,500 ये वैकेंसी रहने वाली है। दोस्तों बात करें फॉर्म अप्लाई की, दोस्तों फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और दोस्तों ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। दोस्तों सबसे पहले होगा CBT फर्स्ट, उसके बाद में होगा CBT सेकंड। दोस्तों CBT सेकंड में 2 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर होगा आपका जो जिसमें होगा साइंस है, GK है, रीजनिंग है, मैथ है और इसका सेकंड पेपर होगा उसमें थ्योरी आएगी, जो कि दोस्तों सेकंड पेपर आपको क्वालिफाई करना है, ओनली फॉर क्वालिफाई है। और दोस्तों उसी का पहला पेपर है उसके आधार पर आपकी मेरिट बनने वाली है। दोस्तों उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों बात करें जॉब लोकेशन, यानी कि अक्रॉस इंडिया, तो दोस्तों अक्रॉस इंडिया यानी कि इंडिया में कहीं पर भी आप जॉब कर सकते हैं। बात करें एज लिमिट की, दोस्तों मिनिमम एज 18 ईयर, मैक्सिमम एज 30 ईयर और नियमों के अनुसार इसमें छूट मिलने वाली है, यानी कि ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी और SC/ST को 5 साल की छूट मिलने वाली है। और दोस्तों बात करें
एप्लीकेशन फीस की, तो दोस्तों जनरल और ओबीसी के लिए रखा गया 500 रुपये, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस रखा गया है। दोस्तों बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, 10th आईटीआई डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। दोस्तों जिस भी कैंडिडेट का सपना है रेलवे में लोको पायलट बनने का, असिस्टेंट लोको पायलट बनने का, उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि दोस्तों आपकी पोस्ट बढ़ाकर 12,500 भी कर दी गई है। दोस्तों बात करें इंपोर्टेंट डेट्स की, तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, कल से 20 जनवरी 2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। और दोस्तों लास्ट डेट है ये 19 फरवरी 2024 है। दोस्तों जिस भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वह आज ही फॉर्म को अप्लाई करें, और दोस्तों आप इस लिंक पे क्लिक करके भी डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों क्लिक करने के बाद में ऐसा नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो दोस्तों आपको यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करना है, और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में करियर अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में दोस्तों ऐसा आएगा, ये बॉक्स चेक बॉक्स को क्लिक करना है, और दोस्तों प्रोसीड पे आपको ओके करना है। दोस्तों प्रोसीड के ऊपर ओके करने के बाद में ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से भी फॉर्म अप्लाई करके यहाँ से सबमिट कर सकते हैं, जो जो चीज़ मांगी गई है वो आप यहाँ पे भरेंगे। और दोस्तों अब बात करते हैं फरवरी 2024 के महीने की सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में। दोस्तों पोस्ट ऑफिस न्यू रिक्वायरमेंट 2024 से, दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडिया पोस्ट ऑफिस से। दोस्तों बात करते हैं पोस्ट नेम की, दोस्तों पोस्ट नेम है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पीएएसए और कलर की। दोस्तों टोटल वैकेंसी रहने वाली है यह 1,10,000 रहने वाली है, जो कि दोस्तों काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। दोस्तों बात करें फॉर्म आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो दोस्तों ऑन द मेरिट बेस यानी कि दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन के नंबरों के हिसाब से इसकी मेरिट बनने वाली है, इसमें किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होने वाली, ये सीधी भर्ती है और न ही इसमें कोई इंटरव्यू होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं सैलरी की, दोस्तों सैलरी रहने वाली 18,000 से 81,000 जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। दोस्तों बात करें एज लिमिट की, मिनिमम एज 18 ईयर, मैक्सिमम एज 45 ईयर, और नियमों के अनुसार इसमें छूट मिलने वाली है, यानी कि ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलने वाली है। दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फीस की, जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये रखा गया है, एससी एसटी के लिए निःशुल्क रखा गया है, और पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन बैंक क्रेडिट डेबिट कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग आप इसके द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10th 12th ग्रेजुएशन किया हुआ कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों जिस भी कैंडिडेट का सपना है पोस्ट ऑफिस में जॉब करने का, उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जिस कैंडिडेट ने भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है वह इस फॉर्म को आज ही अप्लाई करें। दोस्तों स्टार्टिंग डेट है इसकी 25 जनवरी 2024 से ये अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट है इसकी 20 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो दोस्तों ये थी 7 मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि फरवरी 2024 महीने की सबसे अच्छी वैकेंसियों के बारे में। और दोस्तों जिस भी कैंडिडेट का सपना है सरकारी नौकरी पाने का, तो दोस्तों जो बेरोजगार घूम रहा है उसके लिए फरवरी महीना 2024 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी 7 वैकेंसियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों ऐसी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर करें, जिससे कि जो भी नया वीडियो लेके उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।